गुड मॉर्निंग एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग टेक्नोलॉजी। मेरा नाम जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेड टेक न्यूज। चलिए गुड मॉर्निंग टेक न्यूज को शुरू करते हैं। तो पहली एप्लीकेशन क्या रही है, तो क्लियर होनर की तरफ से होनर होनर 5 को लॉन्च कर दिया गया है। होनर प्ले वाई 3 को लॉन्च कर दिया गया है अपने इंडिया में, जिसमें आपको ट्रिपल रेयर कैमरे के साथ मिलने वाला है। इसमें 3750 mAh की बैटरी, 8 GB रैम, 64 GB स्टोरेज और 128 GB स्टोरेज 8 GB रैम के साथ, और साथ मिलने वाला है आपको अपटा को प्रोसेसर साथ मिलेगा। पंच आपको कैमरा मिलने वाला है, जिसमें आपको पंच होल कैमरा मिलने वाला है सबको, और इसमें मिलने वाला है 8 MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा, 8 MP का रियर कैमरा, 8 MP का फ्रंट कैमरा मिलने वाला है। और सिक्योरिटी के लिए आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है, और पंच होल का डिस्प्ले, पंच होल डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें आपको कैमरा ही पंच होल मिलेगा आप सबको। तो ये था दोस्तों होनर की तरफ से आई थी अपडेट आप सबके चाहिए। तो अगली अपडेट की तरफ हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगली अपडेट का क्या रही है सबके लिए, इन्फिनिक्स की तरफ से। तो इन्फिनिक्स नोट 8 को भी लॉन्च कर दिया गया है अपने इंडिया में, तो उसके कुछ स्पेसिफिकेशन भी और दाम भी मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूं। तो इन्फिनिक्स में को आपको 3 DR कैमरा मिलने वाला है, जिसमें कि 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, और 64 MP 6.52 इंचज़ का आपको इंचज़ का डिस्प्ले मिला है। डबल रियर कैमरा में आपको 8 MP और 32 MP का कैमरा मिलेगा आपको, जिसमें कि इसकी कीमत बात करें उसकी कीमत आपको 7,999 रुपये पड़ जाएगी। और यहाँ पे 4000 mAh की बैटरी मिलने वाली, 4000 mAh बैटरी और प्लस 4 GB रैम प्लस 64 GB स्टोरेज के साथ आपको अपग्रेड मिलेगा। इसमें 2 वेरियंट भी मिलने वाला है, जिसमें 8 GB रैम भी मिलने वाला है आपको, 128 GB का स्टोरेज मिलेगा। आप जो हम चलाना चाहते हैं रेडमी में आप ले सकते हैं स्मार्टफोन को इन्फिनिक्स नोट 8, जो कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है। दोनों स्मार्टफोन आपको जल्दी ही अफ्रीका साइड में मिलेंगे। और इन्फिनिक्स की बात करें तो इन्फिनिक्स आपको पर्पल वाइट में मिलने वाला है, और पर्पल वाइट में आपको 2 कलर मिलेगा, 2 रेड मिलेगा, जिसमें पर्पल वाइट एक कलर है और एक कलर है वाटरलेस, तो उसमें आपको दो चीज़ों को मिल जाएगा। और इसमें आप फ्लिपकार्ट पे आपको जल्दी ही मिलने वाला है स्मार्टफोन, आप फ्लिपकार्ट से इस फ़ोन को ले सकते हैं इन्फिनिक्स नोट 8 को। चलिए दोस्तों अब अगली तरह खबर की तरह हम बात करते हैं। दोस्तों अगली खबर लेकर के आ रही है आप लोगों को जियो की तरफ से। तो जियो F9 Plus को लॉन्च कर दिया गया है, जो जियो F9 Plus को लॉन्च किया गया, जिसमें आपको 7,609 रुपये कीमत बताई जा रही है, जिसमें कि आपको 6.5 इंच 5.8 का इंच का डिस्प्ले मिलने वाला है। इसमें भी आपको वाटर नॉच मिलने वाला है साथ में, और इसमें आपको 1.65 GHz का प्रोसेसर मिलने वाला है अपटा को प्रोसेसर के साथ, और इसमें आपको 3 GB रैम मिलेगा, डुअल रियर कैमरा मिलेगा, इसमें 3 MP का फ्रंट कैमरा है, और सेकेंडरी का 2 MP का भी दिया जाएगा, और फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ 13 MP का भी कैमरा आपको मिलने वाला है फ्रंट में सेल्फी का बैक कैमरे के लिए रियर कैमरा, और 4.05 की 4550 mAh की बैटरी मिलेगी आप सबको इस फ़ोन में, यानी कि जियो नहीं इस फ़ोन में आपको साथ। और इसमें क्वालिटी इसकी क्वालिटी बहुत लुभाने वाली है, और इसमें आपको साथ में मिलने वाला है इसका कलर वेरिएंट, जो कि बहुत अच्छा है, और इसकी साइज भी बहुत अच्छी है। तो अगर आप ले सकते हैं जियो का स्मार्टफोन, जियो स्मार्टफोन को ले सकते हैं आप इस वेरिएंट में, जो इसको आप परचेस करना चाहते हैं। इसको परचेस करने के लिए आपको जल्द ही ऑफिसल यानी कि ई कॉमर्स साइट पे आप इसे ले सकते हैं, जियो की कॉमर्स साइट पे, या फिर इसे फ्लिपकार्ट पर, या फिर अमेजन साइट से आप उठा सकते हैं इसको, लेकिन अभी ये भी अपने ऑफिसल साइट पर ही अवेलेबल है। फिर दोस्तों अगले की खबर की ओर बात करते हैं। तो वही अगली खबर जानकारी है आप सबके लिए 1+70 को लेकर के। तो 1+70 का स्मार्टफोन से कूलर कैमरा को लेकर के लिख गए, इसमें आपको कुछ तस्वीरें लिख हुई हैं, जिसमें एक डिज़ाइनिंग दिया गया है, जिसमें आपको दिखाया कि ट्रिपल रियर कैमरा के बगल में ही आपको लेंस मिलेगा फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, और 3 रियर कैमरा मिलने वाला है, और उसके बैक पल का रिकॉर्डिंग मिला है। तो कुछ कहा नहीं सकता कि इसका डिज़ाइनिंग क्या है, और क्योंकि भी वेरिएंट है जो कुछ और जल्दी स्पीकेशन निकलने के नहीं आ रही है। 1+70 से एक कैमरे की बात करें, जो कैमरा बहुत अच्छा सुनहरा और अच्छा दिखने वाला दिखाई दे रहा है। देखते हैं कब तक मिलता है 70 का अपना 1+70 Pro और 1+70 जब देखते हैं कब तक मिलता है, और कितने कीमत होगी इसकी, और क्या रेट होगा इसका। चलिए तो अब अगली हम अपडेट की बात करेंगे। तो वही तो अगली अपडेट क्या आ रही है आप सबके लिए 9 Android 10 को लेकर के। तो एंड्रॉयड 10 को भी लॉन्च कर दिया गया है। एंड्रॉयड 10 अब गूगल के सभी एंड्रॉयड फ़ोन में भी आपको मिलने वाला है। गूगल के एंड्रॉयड फ़ोन में अगर आप गूगल एक्सल या गूगल के कोई फ़ोन अगर इस्तेमाल करता है, जैसे गूगल पिक्सल हो गया, गूगल पिक्सल या गूगल पिक्सल XL3, गूगल पिक्सल 2 XL3, गूगल पिक्सल XL, या फिर गूगल कोई भी स्मार्टफोन लेते हैं, तो उसमें आपको एंड्रॉयड का अपडेटिंग मिलने लगेगा। अगर एंड्रॉयड का अपडेटिंग आप लेना चाहते हैं तो एंड्रॉयड 10 का अपडेटिंग ले सकते हैं। अगर आपको
नोटिफिकेशन मिला तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो आप वहाँ से अपने फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल के एंड्रॉइड टेन प्ले को, क्योंकि गूगल ने इसे आप सबके लिए रोल आउट कर दिया गया, तो आप सबको मिलने वाला रेडमी की तरफ से एंड्रॉइड 10, तो आप ले सकते हैं गूगल पिक्सल और गूगल के सभी स्मार्टफोनों में। इधर दोस्तों गूगल की तरफ से अपडेट आ रही थी आप लोगों के लिए, तो अगली अपडेट की हम बात करते हैं, तो वहीं अगली अपडेट निकल के आ रही है आप सबके जियो गीगा फाइबर। आज तो 5 सितंबर, आज 5 सितंबर को लेकर के सभी ये तो पता था कि 5 सितंबर को रियलमी तरफ से कोई अपनी स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले गीगा फाइबर को, कुछ दिन पहले ही एजीएम मीटिंग में उनके समय बताया था जियो में गीगा फाइबर को अवायलेंस में कर दिया था 5 सितंबर से आप सबको मिला। तो पाँच अब जियो गीगा फाइबर आप लेना चाहते हैं, आप जियो गीगा फाइबर के कनेक्शन कराना चाहते हैं, तो इसमें आपको जियो गीगा फाइबर कनेक्शन कराने के लिए आपको जियो गीगा फाइबर की होम साइट पर जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, रजिस्टर करने के बाद अपना एड्रेस और फिलफिल करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सारी को देना पड़ेगा, इसमें आपको ओटीपी मिलेगा, वन टाइम पासवर्ड को आप वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद आपको सारे फोन्स को मिल जाए, आप उस अपना एड्रेस पता ईमेल एड्रेस और कहाँ पे आपको गीगा फाइबर लगवाना है उसका एड्रेस देंगे, तो आपको गीगा फाइबर का अवेलेबल मिल जाएगा। और साथ में आपको मिलने वाला है टेलीफोन बूथ भी, जिसमें आप अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं गीगा फाइबर की तरफ से, और साथ में अगर आप फर्स्ट या फिर इंस्टेंशन के साथ आते हैं तो आपको 4K का LED टीवी भी मिलने वाला, जो कि जैसा कि उसे जीएम मीटिंग में कहा गया था कि आपको 4K टीवी का भी अनाउंसमेंट हुआ था, 4K टीवी मिलेगा जियो गीगा फाइबर। तो आज 5 सितंबर आज के बाद गीगा फाइबर का अनाउंसमेंट हो चुका है और आज से लॉन्च हो गया है, आपको गीगा फाइबर अब लिया जाता है तो मिल सकता है आपको, कमर्शनल लॉन्च हो चुका है, आप कमर्शनल तरीके से आप इसे अवेलेबल करा सकते हैं, अपने यहाँ रख सकते हैं, अपने घर में कनेक्शन करा सकते हैं जियो गीगा फाइबर। दोस्तों यही दोस्तों अपडेट आज की गुड मॉर्निंग टेक न्यूज़ में, उम्मीद करता हूँ गुड मॉर्निंग टेक न्यूज़ अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, दोस्तों शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही गुड मॉर्निंग टेक न्यूज़ और टेक न्यूज़ की वीडियो लेकर के आते रहता हूँ। चलिए तो आज के बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो तक के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।